हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आई एस यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जनवरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल स्टेट सो ये जो हिमाचल स्टेट के ये फर्स्ट एंड सेकंड जनवरी के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रलम्स एंड मीन्स एज वेल एज जो रिसेंट नोटिफिकेशन आई है नायब तहसीलदार की उसमें भी ये जो करंट अफेयर्स हैं दीज आर वेरी रेलिवेंट एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट दैट एज जो अल्टीमेट आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में आ, वो बनाता है दोज एजेस सो लेट्स टॉक अबाउट दीज करंट अफेयर्स जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जोग्राफी करंट अफेयर है uh, इसमें ये है दैट शिनकुला पास जो है दिस इज दिस पर्टिकुलर पास इज इन द न्यूज बिकॉज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ जो स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट करता है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के uh, तरफ वहां पे दे आर गोइंग टू बिल्ड अ टर्नल अंडर दिस पर्टिकुलर पास शिनकुला पास सो ये जो टर्नल होगा ये कनेक्ट करेगा कनेक्ट uh, करेगा मनाली को ले के साथ अंडरस्टैंड सो so, uh, मनाली टू ले वाला जो ये टर्नल है ये शिनकुला पास के पास में uh, के अंदर बन रहा है और डेफिनेटली ये इसका ऑब्जेक्टिव इसमें गवर्नमेंट का यही है दैट गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे इन दो रीजन्स के बीच में राइट right? बिकॉज uh, अभी एट प्रेजेंट देर इज ओनली वन रूट देर इज ओनली वन रूट टू लेट टू ले फ्रॉम मनाली ठीक है एंड बाय बाराचा पास और ये पास जो है इट इज ओपन फॉर द आर्मी एज वेल एज सिविलियंस बट इट रिमेन्स क्लोज फॉर मंथ्स ठीक है ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये हेवी स्नोफॉल की वजह से ये बंद रहता है इसीलिए आर्मी को भी एज वेल एज सिविलियंस को भी बहुत मुश्किल होती है सो so, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इससे क्या होगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी सारे सीजन्स में एक ट्रांसपोर्टेशन चलती रहेगी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिकॉज ऑफ द चाइनाज फेस ऑफ जो अभी चलते आ रहे हैं रीसेंट अप एंड डाउन्स जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ सो उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर इन दिस इनिशिएटिव दैट जब से चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ है गलवान वैली का और सेंटर इज वेरी कीन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम मनाली साइड टू ले राइट सो मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसका मेजर यूसेज uh, रहेगा ऑब्वियसली सिविलियंस को भी यूज वो कर सकते हैं तो टूरिज्म भी प्रमोट होगा ठीक है तो टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बारा लाचा पास बिकॉज इट इज वी ऑलवेज टॉक इन द इन द जोग्राफी पार्ट सो बारा लाचा पास जो है इट इज ऑल्सो नोन एज बारा लाचा बारा लाचा ला ठीक है ला मतलब पास ही होता है इट इज अ हाई माउंटेनियस पास ये कहां पे है इट इज इन का पूरा हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स है उसका एक पार्ट है Zaskar range, right? जो connect करता है जो करता लाहौल इन हिमाचल टू ले इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट राइट तो ये आप याद रखिएगा इसके अलावा इट इज सिचुएटेड अलोंग द ले मनाली हाईवे एंड भागा रिवर जो है चिनाब चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है भागा सो so भागा जो है वो भागा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की वो ओरिजिन होती है सरा आ, सुराया ताल लेक जो कि सिचुएटेड है फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम दी फ्रॉम दिस पार्च पास बारालाचा पास राइट right? सो so, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कुछ और पासिस हैं हिमालयन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स टॉक अबाउट देम कि कैसे वो क्वेश्चंस है जैसे बारालाचा पास तो हमने अभी रिसेंट अभी पढ़ लिया ठीक है हिमाचल टू जम्मू कश्मीर नेक्स्ट हमारा है देपसा पास देपसा पास कुल्लू एंड स्पीति के बीच को जोड़ता है के डिस्टेंस को जोड़ता है रोहतांग पास जो है दैट इज कुल्लू लाहौल एंड स्पीति को जोड़ता है लिंक बिटवीन द रोड लिंक is shipkila pass एंड हिमाचल so, को तिब्बत के साथ जोड़ता है राइट right? आप मुझे एक चीज और बता देंगे कमेंट सेक्शन में दैट ये जो शिपकिला पास है इससे एक रिवर जो है वो एंट्री लेती है सो यू हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर रिवर नेम वो बहुत ही मेजर रिवर है सो so उसके बारे में जरूर बताइएगा नेक्स्ट uh, हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए एज वेल एज स्पोर्ट्स के लिए राइट सो रिसेंटली काजा के अंदर नाइन्थ वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई की जा रही है एंड इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का कंपटीशन जो है ये स्टेट के अंदर हेल्ड किया जा रहा है सो ऑब्वियसली आइस हॉकी जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स राइट right? सो so, ये इवेंट जो होगा दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट द टूरिज्म इन द रीजन ओके गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उनकी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है हिमाचल की दैट इज स्वर्ण जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 ट्वेंटी वन स्वयं जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 ट्वेंटी के तहत क्या किया गया है कि थ्री परसेंट रिजर्वेशन जो है थ्री परसेंट रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्पोर्ट्समैन इन द गवर्नमेंट जॉब राइट गवर्नमेंट जॉब एंड डाइट मनी को भी डबल कर दिया गया है जितनी भी डाइट मनी पहले मिलती थी उसको अब डब डबल कर दिया गया है सो दिस विल आल्सो क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द स्पोर्ट्समैन कि हम और आगे प्रोग्रेसिवली स्पोर्ट्स के अंदर ही चलते जाए नहीं तो बहुत सारा ड्रॉप आउट हो जाता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट और समटाइम्स नेशनल खेल के ड्रॉप आउट कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट इसी पॉलिसी के तहत थ्री करोड़ वुड बी गिवन टू गोल्ड मेडल विनर इन ओलंपिक्स ओलंपिक्स के अंदर विंटर ओलंपिक्स के अंदर और पैरा ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट को वुड बी गिवन टू करोड़ एंड ब्रॉन्स मेडलिस्ट को वुड बी गिवन वन करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा नेक्स्ट इज अलोंग विद फिफ्टीन लाख रुपीज वुड बी गिवन फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन दी ओलंपिक्स एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ मेडल विनर्स वुड बी गिवन द पेंशन ऑल्सो सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्टेप उठाया जा रहा है बाई दी स्टेट हिमाचल ताकि प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को और दूसरी चीज़ ये है ना दूसरी चीज़ कि अभी रिसेंटली हिमाचल क्रिकेट टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन दी वेरी वाइडली नोन क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अंदर सो so, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो वो इसीलिए है बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकिंग डे बाय डे न्यू इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द स्पोर्ट्स राइट अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड ये सारे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होल्डर्स वुड गेट अ मंथली सैलरी ऑल्सो सो ये इनिशियेटिवस जो uh, हिमाचल स्टेट ने उठाए हैं स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नाउ लेट्स टॉक सैंडलवुड। सैंडलवुड अब फार्मिंग जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है हिमाचल स्टेट के अंदर ग्रोअर्स जो है उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा और साथ ही साथ असिस्टेंस नॉलेज टेक्निकल नो हाउ की जानकारी दी जाएगी इन ग्रोअर्स को जो सैंडलवुड फार्मिंग कर रहे हैं ताकि इनकी जो इनकम है उसको इंप्रूव किया जा सके और ये सस्टेनेबल जो है सस्टेनेबिलिटी इनकी बन पाए राइट सो लेट्स टॉक अबाउट सी एफ एफ आर सी सी दैट इज रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ठीक है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये कहां पे है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पहला सवाल तो यही आएगा बिकॉज नायब तहसीलदार के केसेस में uh, के क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है इट इज इन जोगिंदर नगर इन मंडी डिस्ट्रिक्स ठीक है सो इन्होंने दे दे केम इन फ्रंट ऑफ दी इनोवेटिव फार्मर्स जो चुरांग के हैं उनके पास में गए एंड दे डिसाइडेड कि चलो कोलैबोरेट करते हैं और एक तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है सैंडलवुड के वो हम लोग uh, बनाते हैं टू स्ट्रेंथन द इकोनमी ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट राइट सो अब ये सैंडलवुड uh, का न्यूज था तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है जैसे कि सैंडलवुड के बारे में देखें तो सैंतालम एल्बम इसका नेम है साइंटिफिक नेम है कॉमनली नोन एज इंडियन सैंडलवुड इट इज अ ड्राई डेसिडिशियस फॉरेस्ट स्पीशियस जो कि नेटिव है इंडिया चाइना इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया एंड फिलिपीन्स में अंडरस्टैंड सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राई डेसिडिशियस फॉरेस्ट स्पीशियस राइट ड्राई डेसीडिशियस फॉरेस्ट ओके नाउ इसमें देखे तो इट इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री जो ग्रो करता है लगभग ट्वेंटी मीटर हाई विद रेड वुड एंड अ वाइटी ऑफ डार्क कलर ऑफ बार्क होता है इसका ये देखिए इस तरीके का है इसका जो बार्क है वो कलर है डार्क कलर है बाक का बार्क का राइट right? एंड uh, इसके अंदर जो है इट इज रेडवुड ओके सो बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉग एंड ड्यूरेबल वुड होता है इसका सो so इसको जो है टिम्बर के लिए भी यूज किया जाता है टिम्बर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है अंडरस्टैंड और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आई यू सी एन रेड स्टेटस सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वलनरेबल सो वलनरेबल स्पीशियस है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है अंडरस्टैंड हो गया चलो अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि इसके यूसेज क्या यूसेजेस क्या होते हैं That, जैसे कि इंडिया के अंदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंदन या श्रीगंधा तो हम लोग चंदन और श्रीगंधा इसको कहा जाता है और इसका यूसेज हम लोग करते हैं ट्रेडिशन इंडियन ट्रेडिशन में चंदन का बहुत ज्यादा यूसेज रहता है सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रैडल टू द क्रिमेशन चंदन का यूज किया जाता है एंड सैंडलवुड वुड जो होता है सैंडलवुड वुड विच इज अ क्लोज ग्रेन इज यूज फॉर फाइन फर्नीचर एंड कार्विंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है ठीक है इसके बार्क में जो है वो इट कंटेन्स द टैनन इसका जो बार्क जो ब्लैक कलर का बार्क अभी हमने देखा वो उसके अंदर टैनन होता है जिसको हम लोग डाई के लिए भी यूज कर सकते हैं नाउ दिस इज वॉट द स्टैटिक पोर्शन ऑफ अ करंट अफेयर ओके सो करंट अफेयर में सैंडलवुड के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है बट अगर हम लोग करंट एस्पेक्ट स्टैटिक पार्ट की बात करें तो स्टैटिक में सैंडलवुड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ मिल सकता है पढ़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सो so वही चीज़ें हैं कि सैंडलवुड असेंशियल ऑयल जो होता है हेज ए एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है एंटी होती है एंटी इन्फ्लॉमेट्री होती है एंटी प्लास प्रॉपर्टीज होती है एस्ट्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ होती ठीक है और इनफैक्ट इसको जो है अरोमा ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है अरोमा थेरेपी जो है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि स्ट्रेस हाइपर जो होते हैं वोड्स और ये सारी चीज़ें जो है इसको रिड्यूस किया जा सके ठीक है तो सैंडलवुड के इतने सारे यूसेजेज हैं अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हिमाचल के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है तो वैसे मेजरली कहाँ पे सैंडलवुड जो है फार्मिंग होती है सो मेजर ग्रोइंग सैंडलवुड फार्मिंग इज इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु राइट सो मेजरली ये जो तीन स्टेट्स हैं वो वहां पे थोड़ा सा आप याद रखिएगा दैट वुड गो वेल ओके और सैंडलवुड मार्केट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर वराइटीज ऑफ सैंडलवुड जो अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर वो इंडियन सैंडलवुड काफी ज्यादा फेमस है और ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड जो है दे आर फेमस ठीक है सो इंडियन सैंडलवुड ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड दे आर फेमस एंड दे हैव अ एक्सलेंट कमर्शियल वैल्यू इन द मार्केट आल्सो राइट सो ग्लोबली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे बोथ आर द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ सैंडलवुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर बिगेस्ट मार्केट की बात करें वैसे तो ग्रोअर जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है लार्जेस्ट ग्रोअर सैंडलवुड के बट बिगेस्ट मार्केट की बात करें लाई इन दूनाइटेड स्टेट्स चाइना जपान एंड इंडियन डोमेस्टिक मार्केट सो जस्ट हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट दीज सैंडलवुड फार्मिंग राइट चलिए सो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सेवेंटी फोर्थ आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया हिमाचल में किया गया ऑल ओवर इंडिया में किया गया तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फिफ्टीन जनवरी इन इंडिया टू कमरेट द जवान एंड इंडियन आर्मी टाइम इट इज द सेवेंटी फोर्थ इंडियन आर्मी डे राइट सो सर्विस बिफोर सेल्फ यह आपको पता है नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो फिफ्टीन जनवरी जो है फील्ड मार्शल करियप्पा ठीक है जनरल करियप्पा भी कहा जाता है उस टाइम पे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे टुक ओवर एज अ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी राइट फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ठीक है और एक्चुअली में अगर देखा जाए इंडियन नहीं बट फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे हिज नेम वाज जनरल बचर ठीक है इनका ये नाम था और ही ही इज ऑल्सो द लास्ट पर्सन टू होल्ड दैट पोजिशन क्योंकि उसके बाद तो सब इंडियन बने तो फर्स्ट इंडियन जो जनरल कमांडर इन चीफ बने हीज नेम वॉज जनरल करियपा राइट सो के एम करियपा एडॉप्टेड द स्लोगन ऑफ जय हिंद जो uh, जवान जो है अपने सीनियर्स को एक तरीके से जब बोलते हैं तो जय हिंद करके उनको रिकॉग्नाइज करते हैं राइट विच मीन्स विक्ट्री ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ओनली टू इंडियन आर्मी ऑफिसर टू होल्ड द फाइव स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फर्स्ट इज जनरल करियपा एंड द सेकेंड वन इज यू नो सैम बहादुर या सैम बहादुर उनका वैसे उनको टाइटल दिया गया था बाय द गुरखाज बट उनका एक्चुअल नाम था फील्ड मार्शल सैम मानिक शो ठीक है सो ही इज अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी सैम मानिक शॉ इनके बारे में जरूर पढ़िएगा चलिए सो आर्मी डे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू ऑनर द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री और उन्होंने जो जितना मार्टेयर है उन्होंने शहीदी दी है उसको रिकगनाइज करने के लिए एंड इन अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्मी डे परेड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पर डेली कंटोनमेंट के करियप्पा परेड ग्राउंड के अंदर ठीक है और तीनों सर्विसेस के चीफ जो हैं और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज टू द इंडियन आर्म फोर्सेस राइट चलिए नाउ नेक्स्ट इज इट्स रिलेटेड टू बी अब देखिए जो फॉर्मर बी के ऑफिसर रहे हैं नाओ इनका नाम है इनका नाम अविनाश नेगी है ये फॉर्मर बी ऑफिसर रहे हैं और ही इज राइट नाउ द डायरेक्टर ऑफ अटल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग बहुत ही फेमस ये इंस्टीट्यूट है अब ये ये पहला सवाल तो आपके लिए बनेगा कि ये है कहां पे इट इज इन हिमाचल मनाली के अंदर जो है ये इंस्टीट्यूट है इनका नाम है अविनाश नेगी और ये बी के पहले फॉर्मर ऑफिसर रह चुके हैं नाउ इनको आ, इस तरीके का पोजिशन इसीलिए मिला है बिकॉज ही इज अ सर्टिफाइड माउंटेनियर पैराग्लाइडर स्कायर Uh, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एडवांस कोर्सेज़ किए हैं एडवेंचर टूर स्पोर्ट्स विद द एक्सेलेंट ग्रेट के साथ और इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं सो ही इज़ अ वेल डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द फोर्स आल्सो एंड अवार्डेड विद लॉट ऑफ यू नो कमेशन मेडल्स जो होते हैं लेटर्स uh, होते हैं उनसे इनको ये मिला है एंड ही आल्सो वर्क रियली हार्ड इन द केदारनाथ फ्लड्स ठीक है तो उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था केदारनाथ जब फ्लड्स हुई थी और साथ ही साथ एक जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम का ये भी है जो uh, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बताना दैट इज ही अ टीम ऑफ यूलो मेंबर्स टू द माउंट एवरेस्ट पंद्रह लोगों की टीम ये लेकर गए थे माउंट एवरेस्ट में एंड इज ऑब्वियसली अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल द मेंबर ऑफ अ सिंगल टीम मेड इट टू द टॉप ऑफ द दर्ल्ड हाइएस्ट माउंटेन पीक राइट तो सबके सब जो पंद्रह लोग थे वहां पे पहुंचे थे वापस आए थे तो ये एक रिकॉर्ड जो इनके इन्होंने लेड किया था इन्होंने उस टीम को लेड किया था राइट right? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट हिमाचल में किया गया इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर ऑन ट्वेल्थ जनवरी एवरी ईयर ऑन ट्वेल्थ जनवरी टू एब्जॉर्व टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद राइट स्वामी विवेकानंद सो 1999 में ये यूनाइटेड uh, नेशन ने डिसाइड uh, किया दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इंटरनेशनल यूथ डे एवरी ईयर ऑन ट्वेल्थ ऑगस्ट और यही इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग जो है नेशनल यूथ डे ऑर्गेनाइज करते हैं राइट ट्वेल्थ जनवरी ट्वेल्थ जनवरी जो है ये हम लोग नेशनल यूथ डे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड 1999 में यूनाइटेड नेशन ने भी डिसाइड किया था कि हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे भी ऑर्गेनाइज करेंगे बट इट वुड भी ऑन ट्वेल्थ ऑगस्ट ठीक है सो so इतना याद रखिए डेट्स आर इंपॉर्टेंट तो थोड़ा याद रखिएगा ट्वेंटी नेशनल यूथ डे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज इनागरेटेड दिस ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल यूथ डे फेस्टिवल विच इज़ अ फाइव डे फेस्टिवल एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मेन पर्पज इज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल टू इंक्रीज दैट बॉन्डिंग बिटवीन द डाइवर्स कल्चर ऑफ द कंट्री टू स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी ऑफ द नेशन राइट सो इस बार की जो थीम है इट्स ऑल थीम इज ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल इन द माइंड तो ये थीम याद रखिएगा दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बेस्ट अमंग द हिल स्टेट्स इन एग्जीक्यूटिंग द क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम एज वी ऑल नो दैट जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वी आर वॉट वी आर लुकिंग एज कि साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड्स डिजिटल uh, जो साइबर बुली है वो बहुत देखी जा रही है तो उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव नेचर में बढ़ता जा रहा है तो इसके ऊपर जो है uh, उनको बेस्ट प्राइज मिला है हिमाचल स्टेट को बेस्ट प्राइज़ मिला है अमंग द हिल स्टेट एंड क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम जो है उनका बहुत सक्षम है इसीलिए सो so, हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट दिस टॉप पोजिशन राइट

और इसको डिसाइड uh, करने के बहुत सारे पैरामीटर्स थे अलग अलग पैरामीटर्स uh, uh, के बेसिस पे चेक किया गया एंड हिमाचल को अल्टीमेटली इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन मिला राइट right? तो इसमें क्या है हिमाचल वाज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने कस्टमाइज सिस्टम बनाया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट राइट सो नए नए मॉड्यूल्स जो है उसमें ऐड किया गया है इन द क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर अब उस मॉड्यूल्स में क्या किया गया है जैसे कैमरास बहुत सारे हाईटेक कैमरास को इंस्टॉल किया गया है साइबर स्पेसिफिक साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और साथ ही साथ उसको ट्रैक करने का भी एक बहुत अच्छा एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है राइट right? सो so, ये जो है इस वजह से ये सारा इनिशिएटिव लेने की वजह से दे हैव गॉट दिस पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस दे द सिल्वर अवार्ड इन द ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस के अंदर उनको सिल्वर अवार्ड मिला है ठीक है सो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड उनका एक थर्ड uh, आई वाला इनिशिएटिव है ठीक है थर्ड आई वाला इनिशिएटिव था इसके लिए इनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है जो थर्ड आई जो कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसिंग होती है विद द सीसी सर्विलियंस मेट्रिक्स इस तरीके से उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बिछा रखे थे बद्दी के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जहां पे हर एक्टिविटी नोट डाउन हो रही थी एंड इस तरीके का उनका पूरा आ, उसको ट्रैक करने का सिस्टम था थर्ड आई ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको थर्ड आई कहा जाता है कि किसी ने भी गलत गलती की है किसी ने भी ऐसा अगेंस्ट लॉ गए है तो उसके बेसिस पे ये रिकॉर्ड होता जाएगा और उस एविडेंस के बेसिस पे उसको सजा मिलेगी ठीक है तो ये थर्ड आई वाला जो कॉन्सेप्ट था इसके लिए उनको ये सारा रिकॉग्नाइजेशन मिला सिल्वर अवॉर्ड मिला नाउ ये इसके अंदर अगर थर्ड आई में बात करें तो मेजर कंपोनेंट क्या है इंस्टॉलमेंट ऑफ सीसीटीवी कैमरास तो सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया बद्दी के अंदर उसके इंडस्ट्रियल हब के अंदर एंड ये पूरा जो खर्चा था दैट वाज नॉट होली टेकन केयर ऑफ बाय दाइव गवर्नमेंट बट इट इज टेकन केयर बाय दी प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप मोड तो पीपीपी मॉडल के थ्रू जो है ये सारा खर्चा उठाया गया फंडिंग की गई इनफैक्ट साइबर लैब्स भी बनाई गई हैं टू फैसिलिटेट द सेटिंग अप ऑफ सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, जियो टैगिंग ऑफ सीसीटीवी कैमरास किया गया है और इससे क्या है इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है टू सॉल्व द्राइम्स या केसेस ओके सो इस क्लास के अंदर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड I just keep working hard. Thank you.